इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज ए इवन नेचुरल नंबर, देन राइट ए का पावर एन इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एंड आइदर ऑफ दिस टू। देखिए अगर हम लोग ए का पावर एन का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस वन का पावर एन इंटू में ए, यह हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रहा ना आपके क्वेश्चन में, और चूंकि यहाँ एन क्या है आपका इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर है इसे पावर में एन यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस वन का पावर इवन जब है तो इसका वैल्यू प्लस में ना आ जाएगा, एन जब इवन नेचुरल नंबर है तो इसका वैल्यू प्लस का वन हो जाएगा, यानी बच जाएगा आपका ए का पावर एन। तो हम लोग देख रहे हैं ए का पावर एन का ट्रांसपोज या किसके इक्वल हो जा रहा है, ए का पावर एन के, दैट मीन्स ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक, ए का पावर एन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहना।